ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर लोक भवन में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक प्रस्तावित है। जी हां, सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा धारकों को बेदखल करने की नीति तैयार है। कैबिनेट आज नियमावली को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें, सरकार विधायकों की हवाई यात्रा समेत बढ़ा सकती है कई सुविधाएं। यूपी सार्वजनिक भूग्रहाधी नियमावली 2018 पर भी विचार संभव है। हवाई यात्रा की सुविधा नियमावली 1998 में संशोधन प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। कमर्शियल मुर्गी पालन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा संभव है। यूपी स्वामित्व पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक को भी आज मंजूरी संभव है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पास कराने की योजना है। आईआईटी कानपुर के स्पिनिंग लैब को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर भी विचार संभव है। केजीएमयू एक्ट 2002 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज विचार संभव है। 2016-17 की सीएजी की वित्त से जुड़ी रिपोर्ट मॉनसून सत्र में रखने की मंजूरी पर भी आज चर्चा संभव है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फ्री जमीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार आज संभव है। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। तमाम अहम प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर आज मुहर भी लग सकती है। मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, लिहाजा आज की बैठक कई मायनों में बेहद अहम होने वाली है। 2016-17 के सीएजी की वित्त से जुड़ी रिपोर्ट मॉनसून सत्र में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फ्री जमीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर भी आज विचार संभव है। और साथ ही साथ लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। सुबह 11:30 बजे आज ये बैठक होनी है। कई मायनों में ये बैठक खासी अहम मानी जा रही है। सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा धारकों को बेदखल करने की नीति पर भी आज मंथन हो सकता है। कैबिनेट आज नियमावली को मंजूरी दे सकती है। तमाम अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत होने हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा जुड़े। संकेत, किन मायनों में आज की बैठक अहम होने वाली है? देखिए, आज जिस तरह से माननीयों की सुविधा के लिए एक कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो है, या फिर यूपी विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी सुविधाओं को लेकर एक प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर मोहर लगनी तय मानी जा रही है। वही दूसरी तरफ कानपुर में तमाम ऐसी मिले हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं, उनको ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव रखा जाएगा कैबिनेट में। इस तरह से 7 प्रस्ताव हैं कैबिनेट में और इन पर मोहर लगनी तय मानी जा रही है। तो 7 प्रस्ताव हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 7 प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। लेकिन संकेत, विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी बैठक योगी कैबिनेट को? देखिए, जिस तरह से पिछले काफी समय से विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि हवाई यात्राओं से संबंधित उनको कई बार दिक्कतें होती थी और वहां पे जब वो जाते थे तो उनको आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था। विधायकों का कहना था कि कहीं ना कहीं वो माननीय हैं और जो तमाम सुविधाएं माननीयों को मिलती आ रही है दूसरे राज्यों में, उन राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था की जाए कि यहाँ पर भी हवाई यात्राओं संबंधित सुविधाएं विधायकों को दी जाए। ये मांग पिछले काफी समय से लगातार विधानसभा में होती रही है और इसी मांग पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी और उम्मीद है कि ये प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बिल्कुल, संकेत दिए गए, विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रही है योगी सरकार। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।